Welcome to Explore and Expand. नेचर की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने के लिए इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं कि दुनिया के खूबसूरत और बड़े ट्रैक्स को थ्रू ट्रैकिंग डिस्कवर किया जाए। हमारी दुनिया इस कदर खूबसूरत मनाजर से भरी पड़ी है कि अकल दंग रह जाती है, और पूरी दुनिया में इस वक्त अनगिनत ट्रैक डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से कुछ ट्रैक अपनी खूबसूरती की वजह से और कुछ ट्रैक इंतहाई चैलेंजिंग होने की वजह से मुनफरिद हैं। दुनिया के टॉप ट्रैक्स की बात करूं तो उनमें से कुछ ट्रैक का जिक्र करना चाहूँगा। एवरेस्ट बेस पे कैंप नेपाल में, GR20 कोर्सिका फ्रांस में, किलिमंजारो तंजानिया में, मार्खा वैली ट्रैक लद्दाख, हॉट रूट जो कि 3 मुल्कों के बॉर्डर को टच करता है, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, टोरेस डेल पाइने सर्किट पेटागोनिया चिली, अन्नपूर्णा सर्किट नेपाल, टूर डू मोंट ब्लांक ये भी 3 कंट्री के बॉर्डर को टच करता है, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, नांगा पर्वत सर्किट पाकिस्तान और K2 बेस कैंप ट्रैक पाकिस्तान। किसी भी एक्सपेडिशन को या लॉन्ग ट्रैक को आप उसी सूरत एंजॉय कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशंस परफेक्ट हों। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि प्रिपरेशंस पे है K2 बेस कैंप ट्रैक के लिए, और मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा इस ट्रैक को करने के लिए जो कि आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती हैं। जो भी ट्रैक आप प्लान कर रहे हो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक दफ़ा ज़रूर रिसर्च कर लें, बिकॉज छोटी सी छोटी मिसमैनेजमेंट भी बाज़ुकात आपके पूरे ट्रिप का मज़ा ख़राब कर सकती है। सो ट्रिप स्टार्ट करने से पहले अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करें। तो इस वीडियो में हम 10 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, और ये 10 टॉपिक ये हैं: पर्सनल फिटनेस, एप्रोप्रिएट क्लोथिंग, ट्रैकिंग फुटवेयर, टेक्निकल इक्विपमेंट, फर्स्ट एड सप्लाइज एंड मेडिकेशन, टॉयलेटरीज, एसेंशियल आइटम्स, हाउ टू पैक योर बैकपैक, हाउ टू पैक योर टेक्निकल इक्विपमेंट, हाउ टू केयर योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रिप। पर्सनल फिटनेस, सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करें कि आपने डायरेक्ट काउच से उठ के एक्सपेडिशन पे नहीं चल पड़ना, बल्कि इससे पहले अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रिपेयर करना है और उसे ट्रैकिंग का आदि बनाना है। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करें। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि बहुत यूज़फुल होती हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, फ्रंट इनर साइड थाइज मसल की एक्सरसाइजेस, चिन अप, स्क्वाट्स, रनिंग, साइकिलिंग और शॉर्ट ट्रैक्स की फ्रीक्वेंट ट्रैकिंग। इसमें आप 2 से 3 दिन वाले जो ट्रैक्स हैं वो K2 बेस कैंप जाने से पहले कर सकते हैं, और करना ज़रूरी है। इससे आपका एक मुनासिब स्टेमिना डेवलप हो जाएगा। जैसा कि मैं आपसे शेयर कर रहा था कि किसी भी बड़े ट्रैक में जाने से पहले आपकी जो फिटनेस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो फिटनेस में कुछ एक्सरसाइजेस की डेमो की हमने वीडियो बनाई थी आपके लिए कि आप जिम में कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साइकिलिंग रनिंग कर सकते हैं, और इसी तरह आप डे हाइक प्लान कर सकते हैं। जो डे हाइक है ये बेहतरीन तरीका है आपका जो स्टेमिना है वो बिल्ड करने के लिए, आपके लेग मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो K2 बेस कैंप या कोई भी बड़ा ट्रैक, उससे जाने से पहले आपको ये मार्गला के ट्रेल्स, नथिया गली के ट्रेल और इसके बाद 2 से 3 डेज़ वाली ट्रैकिंग ज़रूर प्लान करनी चाहिए।
इससे आपके लिए कोई भी बड़ा ट्रैक आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप उसको ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एप्रोप्रिएट क्लोदिंग। इन एप्रोप्रिएट क्लोदिंग आपका मज़ा ख़राब कर सकती है। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या लेके जाना चाहिए और क्या नहीं। डेनिम जीन्स तो बिल्कुल नहीं लेके जानी चाहिए और ना ही इस तरह के जो हैवी ट्राउज़र हैं वो भी नहीं लेके जाने चाहिए। इसके बजाय पोलिएस्टर, नायलोन, मेरिनो या वूल मटीरियल से बने हुए गारमेंट्स लेके जाएँ, क्योंकि एक तो ये मटीरियल लाइट वेट होते हैं, दूसरा ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सो स्किन लेयर्स के लिए यही मटेरियल सेलेक्ट करें, लाइक अंडरवेयर, टी शर्ट्स एंड सॉक्स। बेस लेयर जिसमें ट्राउज़र और फुल स्लीव शर्ट आते हैं, अगर मेरिनो वूल के हों तो वो बेस्ट हैं। ट्राउज़र लाइट वेट और वाटरप्रूफ होना चाहिए। ट्रैकिंग टेरेन क्योंकि स्मूथ नहीं होते, इसमें कहीं बोल्डर होता है, कहीं ग्लेशियर होता है, तो स्ट्रेचेबल लाइट वेट ट्राउज़र में आप ईजीली मूव कर सकते हैं और ये मिनिमम आप दो अपने ट्रैक में रखें। टी शर्ट ब्रीदेबल ड्राई फिट होनी चाहिए, एक तो जल्दी ड्राई हो जाती है, सेकंड स्वेटिंग की वजह से स्मेल इस मटेरियल में नहीं आती। एक से दो फ्लीस होनी चाहिए और फ्लीस एक तो लाइट वेट होती है, सेकंडली ये बहुत वार्म होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम क्लोदिंग में डाउन जैकेट है, ये एक तो लाइट वेट होती है, सेकेंडली वार्म होती है और वाटर रेजिस्टेंस होने के साथ साथ जल्दी ड्राई होने वाला मटेरियल होता है। इस एनिमेटेड वीडियो में आपको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि आपने क्लोदिंग कैसे करनी है और कौन कौन सी आइटम्स आपने साथ लेके जानी है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग के टू बेस कैम्प ट्रैक में हुआ है सन प्रोटेक्शन। ट्रैकिंग क्योंकि डे टाइम पे होती है और वहाँ पे हाइट पे यूवी रे स्ट्रांग होती हैं, सेकेंडली आइस क्रिस्टल से सन लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, जिससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज ये रेस आपकी स्किन की लेयर को डैमेज करती हैं, सन बर्न कॉज करती हैं और नाक और मुँह बुरी तरह जल जाता है। तो सन ब्लॉक के साथ नेक गेटर इस्तेमाल करें, इससे चेहरा और नोज़ कवर हो जाता है, जिससे आपकी जो सन बर्न है आप उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आते हैं शूज़ की तरफ। ट्रैकिंग के लिए लेदर बूट ना यूज़ करें, आप प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ का इंतखाब करें, क्योंकि वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ ही आपको ट्रैकिंग के दौरान रॉक, वेट सरफेस और ग्लेशियर एट्सेट्रा से पाँव की प्रोटेक्शन देते हैं, और शूज़ का इंतखाब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करें। स्टार्ट के डेज में लो एंकल शूज़ जो है वो बेहतर रहता है, तो जो शुरू के 5-7 दिन होते हैं के टू बेस कैंप ट्रैक के लिए, उसमें लो एंकल शूज़ आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद जब जीजी ला क्रॉस करना हो तो उसमें आपको एक हाई एंकल शूज़ चाहिए होता है, और थर्ड पे आपको क्रॉक्स, मैं तो क्रॉक्स कैरी करता हूँ क्योंकि यहाँ मौसम सर्द होता है, तो आप इसमें इजीली सॉक्स पहन सकते हैं, आप इजीली ग्लेशियर पे मूव कर सकते हैं, कहीं भी आपने सराउंडिंग में निकलना हो तो आप क्रॉक्स में आप इजीली मूव कर सकते हैं। जैसा कि आपको वॉशरूम के लिए निकलना पड़ता है, आपको मेस टेंट में जाना पड़ता है, या कहीं भी फोटोग्राफी के लिए अगर आपको बाहर मूव करना पड़ता है तो क्रॉक्स बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि है टेक्निकल गियर। और टेक्निकल गियर उठाते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि आप एक्स्ट्रा बर्डन कैरी ना करें। ट्रिप की नेचर, टेक्निकलिटी, डिस्टेंस और मौसम के लिहाज से आप अपना गियर पैक करेंगे। अपना हाइड्रेशन सिस्टम परफेक्ट रखने के लिए आपके बैकपैक में हर वक्त पानी की बोतल होनी चाहिए और आपके पास ORS अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग से डिहाइड्रेशन होती है और ORS आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। बैकपैक और डफल बैग के साथ रेन कवर होते हैं,
अदरवाइज आपको लेके जाने चाहिए। ये ना सिर्फ रेन से बल्कि आपके लगेज को, आपके बैकपैक को, आपके डफल बैग को रेन से ही बचाते हैं और गंदा होने से ही बचाते हैं। स्लीपिंग बैग और कैंपिंग मैट ही टू बेस कैंप ट्रैक में आपको, क्योंकि 10 नाइट गुजारना होती हैं, तो स्लीपिंग बैग आपका ऐसा होना चाहिए कि नाइट माइनस टेम्परेचर में भी कंफर्टेबल रहें। जीजी लार डिसेंडिंग के लिए आपको हार्नेस, कैराबाइनर, फिगर एट और समटाइम क्रैम्पॉन भी चाहिए होते हैं, तो ये मस्ट कैरी करें। फिफ्थ पॉइंट है फर्स्ट एड किट एंड मेडिसन। तो मेडिसन में आपको पेन किलर, वुंड स्प्रे, बैंडेजेस और इसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो डेफिनेटली आप कैरी करें। और हाइट पे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो कि समटाइम फेस करना पड़ जाता है, इसके लिए एसीटाजोलामाइड आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ORS साशे हैं, वोल्ट्रल टैबलेट्स हैं, न्यूबिराल टैबलेट हैं और एंटामाइजोल टैबलेट हैं और सनी प्लास्ट। ये चंद ज़रूरी मेडिसन हैं जो कि आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है टॉयलेटरीज। ट्रैवल साइज पैकिंग में टॉयलेटरीज रखें अपने पास, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग किट, फेस वॉश, सोप, नेल कटर, हेयर ब्रश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, ये सारा सामान आपके पास ट्रैवल साइज में होना चाहिए, यानी कि स्मॉल साइज में, क्योंकि अगर आप बड़े साइज में ले जाएंगे तो आपका बैग हैवी होता जाएगा। सेवन पॉइंट है एसेंशियल आइटम, और एसेंशियल आइटम भी मस्ट कैरी करनी होती है क्योंकि ड्यूरिंग ट्रिप आपके ये यूज़ में आती हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सनग्लासेस, लिप बाम जो कि आपके लिप्स को प्रोटेक्शन देती है, अदरवाइज लिप ड्राई होने की वजह से बाज़कर लिप फट जाते हैं। पॉकेट टिश्यूज़ हैं, वेट वाइप्स हैं, पावर बैंक और अम्ब्रेला। आपको इस वीडियो में एक छोटी सी डेमो दूंगा कि आप अपने बैकपैक को कैसे प्रिसाइजली पैक कर सकते हैं। हाउ टू पैक योर टेक्निकल इक्विपमेंट, इसमें मैं आपको डफल बैग में तमाम चीज़ें मैं कैसे प्लेस करता हूँ, मैं कैसे रखता हूँ, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए एक डेमो दूंगा कि इसी के अंदर मेरा स्लीपिंग बैग भी आता है, इसी में स्लीपिंग मैट्रेस आता है, शूज़ भी इसी में प्लेस होंगे और तमाम टेक्निकल गियर, क्लोथिंग, सब कुछ इसी डफल बैग में, और ये लाइट वेट भी होगा। आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है पोस्ट ट्रिप मैयर। आप जैसे ही ट्रैक करके घर पहुंच रहे होते हैं तो आप फील करते हैं कि आपको सन बर्न हुआ हुआ है। कुछ लोगों को ज़्यादा शदीद होता है, कुछ लोगों को कम होता है, तो मैं सन बर्न को ट्रीट करने के लिए एलोवेरा जेल यूज़ करता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे आपका जो फेस है जो बर्न हुआ होता है वो जल्दी हील हो जाता है। और सनबर्न के अलावा जो प्रॉब्लम फील होती है ट्रिप से आने के बाद वो आप लेथार्जी और वीकनेस होती है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैक आप बहुत अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते, फ्रूट नहीं ले रहे होते, विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे होते, तो जैसे ही आपका ट्रिप ख़त्म होता है आप घर पहुंचते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल और जूसेस लेने चाहिए ताकि आप अपनी एनर्जी जो है वो रीगेन कर सकें। एज ए ह्यूमन बीइंग लर्निंग का प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता रहता है और आप डे बाई डे ग्रो करते हैं, लर्न करते जाते हैं। मैंने भी वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस करके ग्रो किया है। आई रिमेंबर अपने ट्रैकिंग करियर के आगाज़ में मैं बिल्कुल एक लेमैन था और मुझे ट्रैकिंग की प्रिपरेशन का कोई ख़ास नॉलेज भी नहीं था। इस वीडियो को
क्रिएट करने का पर्पस भी यही है कि अगर आप इस ट्रैक को करने का प्लान कर रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए मददगार साबित होंगी। होप्स हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट करिएगा।